वोटर हेल्पलाइन का न्यू अपडेट आ गया है। अब आप न्यू वोटर आईडी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस, मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आज आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ मोबाइल से कि किस तरीके से आप न्यू वोटर आईडी के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरे तो खून में ही टाइटेनियम है, ऐसा करने की कोशिश कीजिएगा और आप चाहें तो कर भी सकते हैं। प्ले स्टोर से आप वोटर हेल्पलाइन डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप पहले से डाउनलोड कर लिए हैं तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे क्योंकि इसका न्यू अपडेट आ गया है। इसको ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आ जाता है। ओके करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपका कुछ ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। टर्म को आई एग्री पे ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे या स्किप लॉगिन पर क्लिक करके बिना लॉगिन किए हम इसको यूज करेंगे, मतलब फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ फॉर्म का ऑप्शन है, यहाँ फॉर्म वाले पर ओके करेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि अप्लाई ऑनलाइन न्यू, सिंपली हम इस पर ओके करेंगे। यहाँ न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, सिंपली हम ओके करेंगे। अब यहाँ पर अपना जो है नाम डाल के ओके कर देना है। नाम डालने के बाद सिंपली यहाँ पे हम ओके करेंगे। यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि लेट्स स्टार्ट, हम इस पर ओके करेंगे। ओके करते ही यहाँ बोला जा रहा है कि आप फर्स्ट टाइम जो वोटर आईडी बनवा रहे हैं, तो सिंपली यस पर क्लिक करके हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ बोला जा रहा है कि आप इंडियन सिटीजन हैं, तो यस पे क्लिक करके सिंपली नेक्स्ट करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पे आपका स्टेट चूज कर लेना है, कौन से स्टेट से है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। एक डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे चूज कर लेना, जो भी डेट ऑफ बर्थ आप रखना चाहते हैं यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लीजिएगा कैलेंडर में जाने के बाद। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद अपना जो डेट ऑफ बर्थ में क्या प्रूफ देना चाहते हैं वो आपको डॉक्यूमेंट आप इसमें से चूज कर लेना है। आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या विपिन सर्टिफिकेट, जो भी देना चाहते हैं इसमें से चूज कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर पैन कार्ड चूज कर लेता हूँ। पैन कार्ड चूज करने के बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड को अपलोड भी करना पड़ेगा, जो अपलोड पर वाले ऑप्शन इस पर जाके, यार यहाँ डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर पर जाके आपको अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर अपने जो पैन कार्ड है उसका नंबर आपको यहाँ पर टाइपिंग कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि मैं जैसे यहाँ पे टाइपिंग कर दिया हूँ अपना पैन कार्ड, इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपलोड वाले ऑप्शन है, इस पर आपको अपलोड कर लेना है और जहाँ भी आपका पैन कार्ड है उसको सेलेक्ट कर लेना है। अपलोड करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे एक बोला जा रहा है कि आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप जो भी इसमें फ़ोटो देंगे वही आपको जो है वोटर आईडी पे आपका फ़ोटो आएगा। तो जो भी अब यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कीजिएगा वही आपको फ़ोटो आएगा। तो चलिए हम यहाँ से अपलोड फ़ोटो पे अपलोड कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरा यहाँ फ़ोटो अपलोड हो चुका है। सिंपली यहाँ मेल फीमेल चूज कर लेंगे। यहाँ पे जो है कौन अप्लीकेंट है उसका नाम क्या है वो आपको नाम यहाँ पर टाइपिंग कर देना है। नाम टाइपिंग करने के बाद सिंपली आपको इसमें ऑलरेडी यहाँ हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हिंदी में कन्वर्ट कुछ गलत हो जाता है तो गूगल इनपुट टूल से आप इसको सही कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे इसको सही कर लिया, इसी तरीके से आप सही कर सकते हैं। यहाँ सरनेम डाल देना है, जो भी सरनेम है, इसके बाद ये ऑटोमेटिक हिंदी में डिटेक्ट कर लेगा। इसके बाद एक अब यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, एक आपको ईमेल आईडी डालना है। इसके बाद आपके आप में कोई डिसेबिलिटी है, अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है मतलब कोई ऐप है तो आप इसको चेक मार्क करेंगे, और नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अब आ गया है इंटर रिलेटिव, जो आप जो ही माता पिता जिसका भी नाम देना चाहते हैं इसका नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर नाम डालने के बाद इंटर कीजिएगा तो ये ऑलरेडी यहाँ पर देख रहे हैं कि आ चुका है। इसका रिश्तेदार क्या है वो इसमें से आप सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, अगर लग रहा है कुछ गलत है तो इसको अपने गूगल इनपुट टूल से सही कर लेना है। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं देखिए फादर मदर हस्बैंड या अदर है जो भी है आपको इसको यहाँ पर सिंपली आपको कर देना है नेक्स्ट चूज करने के बाद। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका एड्रेस का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाउस नंबर, तो आपको यहाँ पे हाउस नंबर डाल देना है। स्टेट एरिया यहाँ पे आपको डाल देना है, स्टेट एरिया लोकेलिटी आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर डाल देना है आपका जो भी कस्बा विलेज है टाउन है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर देखें टाउन विलेज का जो भी रीजन है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेक्ट हिंदी में कर लेगा, ठीक है। इसको यहाँ अपना पोस्ट ऑफिस चूज कर लेना है, यहाँ पोस्ट ऑफिस को ऑलरेडी हिंदी में ले लेगा। यहाँ अपना एरिया का पिन नंबर डाल देना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि एरिया टाइप आपको किस टाइप का एरिया है, सिटी है, टाउन है, विलेज है, जो भी है आप सिंपली इसमें से चूज कर लेना है। इसके
सर यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे स्टेट का, जो भी स्टेट है वो ऑलरेडी आ चुका है। आपको डिस्ट्रिक्ट इसमें से चूज कर लेना है कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है, तो एक ऑटोमेटिक ये ले लेगा। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर असेंबली क्या है, कौन सा असेंबली है, तो आपको इसमें से असेंबली को आपको जो चूज कर लेना है, मतलब विधानसभा क्षेत्र कौन सा है वो आपको यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ मांग रहा है कि आप जो भी एड्रेस दिए हैं उसका प्रूफ देने के लिए, तब आधार कार्ड, इंडियन लाइसेंस, राशन कार्ड या इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम टैक्स असेंबली ऑर्डर, रेंट एग्रीमेंट, वाटर बिल, जो भी है इसमें से चूज कर लेना है। चलिए यहाँ पर मैं आधार कार्ड को चूज कर लेता हूँ। इसके बाद आधार कार्ड को चूज करने के बाद सिंपली यहाँ पर देख कि आधार कार्ड का आपको जो भी है आधार कार्ड आ चुका है, इस पर यहाँ अपलोड है, अपलोड करना आधार कार्ड, तो या डिजी लॉकर से भी अपलोड कर सकते हैं, या सिंपली यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालेंगे, इसको आपको आधार कार्ड को अपलोड करना। चलिए मैं यहाँ से आधार कार्ड को वहीं पर नंबर डाल देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपलोड करके। तो मैंने आधार कार्ड डाल दिया हूँ, आधार कार्ड नंबर अपलोड वाले पर ओके करूँगा। ओके करने के बाद जहाँ है वहाँ से लेकर आपको अपलोड कर देना है। तो मैंने आधार कार्ड को अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद देख रहे हैं अटैच वाले जो ऑप्शन है, इस पर आप जाके अटैच करके आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने का सिंपली यहां देख रहे हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट। अब यहां पे आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप इस डेट पे कब से रह रहे हो, तब उस कैलेंडर में से उस डेट को चूज कर लेंगे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम डाल देना है, जो भी एप्लीकेंट का नाम है। नाम डालने के बाद यहाँ पर आपका प्लेस आ जाता है, प्लेस डाल देना है, इसका सिंपली डन करेंगे। डन पे करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से पूरा डिटेल ओपन होकर आ जाता है। अगर सब कुछ सही है सिंपली यहाँ कॉन्फर्म वाले पे ओके करेंगे। ओके करते ही यहाँ पे कुछ ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है, तो कॉन्फर्म करते ही आपको एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और आपको एक रेफरेंस नंबर भी दे दिया जाएगा, जिसको आप स्क्रीन शॉट ले कर रख सकते हो। तो इसका स्क्रीन शॉट रख लीजिए रिकॉर्ड के लिए, और इससे आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो कैसे स्टेटस चेक करेंगे इसको मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। इसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेट करना होगा। न्यू वोटर आईडी कार्ड बनने में 3 महीने का टाइम लग जाता है, तो आप रेफरेंस नंबर से स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद अपना स्टेटस ट्रैक करने के लिए यहाँ एक्सप्लोर वाले पर ओके करेंगे। ओके करते ही यहाँ देख रहे हैं कि स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ जो रेफरेंस नंबर दिया गया था वो आपको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं ट्रैक स्टेटस, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या देख रहे हैं कि एप्लीकेंट फॉर्म, इसमें भी आप एप्लीकेशन को ट्रैक करके देख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर अपना रेफरेंस नंबर डालेंगे, इसका सिंपली ट्रैक पर ओके करेंगे। ओके करते ही यहाँ आप जो एप्लीकेशन फाइल है, ओके करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाता है। जैसे कि देखिए मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अब ये सबमिट हो चुका है, अब ये BLO अपॉइंटमेंट के लिए जाएगा। इसके बाद फील्ड वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद जो एक्सेप्ट होगा और जो भी रिजेक्ट होना होगा वो हो जाएगा। अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो बाय पोस्ट वो आपके एड्रेस पे आ जाता है, जो भी आप एड्रेस दिए हैं उस एड्रेस पे आपका आ जाएगा। इसमें 3 महीने का टाइम लगता है। अगर आपका वोटर आईडी आपके एड्रेस पे नहीं आता है तो आप इसके डुप्लीकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप अपने CSC सेंटर पे जाके भी, आप इसको अगल बगल में कोई CSC सेंटर है वहाँ जाके भी आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से हम वोटर कार्ड में कोई भी करेक्शन, कोई भी सुधार करवा सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।